आज हम जो शॉपिंग बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये पीस ली हूँ। ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 18 इंच और इस तरह से लंबाई मैंने ली हूँ 18 इंच। ये राइस बैग है, ये देखो इस तरह से मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसे इस तरह से रखें। ये देखो इस तरह से रखने के बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये मैंने स्टिचिंग करके, ये देखो मैंने स्ट्रेट की हूँ, आप अपने हिसाब से कर लें। अब इसका परफेक्ट मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। इस तरह से देखें, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 18 इंच और इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड में इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 16.5 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से, फिर इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से बराबर, और यहाँ पे एक सेंटर पे निशान लगा देंगे और ये अंदर की तरफ भी एक सेंटर पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे स्ट्रैप का निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह से 3 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे, 3 इंच पे यहाँ पे, और बैक साइड भी हम इसी तरह से यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से मैंने 2 स्ट्रैप रेडी किए हूँ। ये मैंने 4 इंच लेकर इस तरह से फोल्ड करके डबल स्टिच कर दी हूँ दोनों साइड से। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से देखें 19 इंच। ये देखो इस तरह से ये हमारा निशान हो गया है। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इसे इस तरह से रख कर यहाँ से स्टिच करते आएंगे और यहाँ पे जो निशान लगाएंगे उसे इस तरह से रख कर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच करके यहाँ से टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से रखेंगे, इसे बराबर रखेंगे यहाँ से और यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे दो साइड। ये देखो इस तरह से ही हमने दोनों साइड स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ से बेस बनाएंगे, यहाँ से लेंगे 2 इंच पे इस तरह से और यहाँ से लेंगे 2 इंच पे इस तरह से, यहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे भी हम 2 इंच पे ही निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। ये दूसरा वाला हिस्सा है, ये देखें। अब इसे हम इस तरह से रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे दोनों। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग करके पाइपिंग कर लिए हैं। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे इस तरह से 1 2 इस तरह से फोल्ड करके पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से सीधा करते हैं, ये देखें इस तरह से ये हमारा बेस वाला हिस्सा है। ये इस तरह से ये हमारा बैग बनके रेडी हो गया है। ये देखें, आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।